हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है बहुत ही अच्छे रहेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न पे वॉलेट के बारे में। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगा अमेज़न पे वॉलेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हर कोई अमेज़न पे वॉलेट यूज़ कर रहे हैं आज की डेट पर। यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे अमेज़न पे यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर 10,000 का आपको यहाँ पर लिमिट मिलता है। 10,000 का आप यूटिलाइज करने के बाद एक दो महीने में आपका लिमिट यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है, कि 10 से हो जाता है आपका 40,000 तक यहाँ पे लिमिट इंक्रीज़ हो जाता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे डिटेल आपको मैं बताऊँगा इसको, जो यूज़ करने के बाद इसका रिपेमेंट कैसे करना है, कब करना है, अगर नहीं किया तो आपको क्या हो सकता है दोस्तों, आपको करेक्शन, सारे डिटेल्स वीडियो में आपको, जो भी अमेज़न पे रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन्स है, सारे डिटेल्स आपको मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन आप आज क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, फ्री है। और जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा दोस्तों। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है अमेज़न एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और अमेज़न पे में आपको आपका डिटेल डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। करने के बाद आपको दोस्तों 10,000 का यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट मिल जाता है। ओके, यहाँ पे इस अमाउंट से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आप किधर शॉपिंग कर सकते हो, रिचार्ज वगैरह कर सकते हो और अमेज़न से भी कुछ प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। ओके, इसका जो है एक महीने का लिमिट टाइम रहता है। अगर आप इस महीना, अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर 5 तारीख है, तो अभी आप कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है अमेज़न पे वॉलेट से, नेक्स्ट आपको दिसंबर 5 को आपको पे करना रहता है दोस्तों। अगर आपने 5 तारीख को पे नहीं किया तो आपको ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगता है दोस्तों। तो ठीक टाइम पे आपको हर महीने 5 तारीख को यहाँ पे करना रहता है। ओके, जो भी आपने आपका जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है अमेज़न पे वॉलेट से, उसको आपको रीपेमेंट करना रहता है एवरी मंथ 5 तारीख को। ओके, और एक चीज़ बताऊंगा आपको, आप यहाँ पे अगर 20 तारीख को भी ख़रीदते हो, अगर नवंबर 20 को भी आप परचेस किया तो भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को आपको बिल जनरेट होगी, आपको पेमेंट करना रहता है। ओके, तो अभी हम चलते कैसे इसको जो है रीपेमेंट करना है, मैं आपको एप्लीकेशन की तरफ लूँगा और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको डिटेल बताऊंगा। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अदरवाइज आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अभी वीडियो के ऊपर स्विच करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अभी अमेज़न ऐप पे आ जाएंगे, ठीक है। अमेज़न ऐप पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़न पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अमेज़न पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो अभी चलते हैं अमेज़न पे के ऊपर, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो अमेज़न पे पे हम क्लिक करते हैं, करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप में, ओपन करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आपने अर्न किया, डिटेल आपको यहाँ पे आएगा। उसके बाद जितना यूटिलाइज किया है अमाउंट, यूटिलाइज अमाउंट टॉप में आप देख सकते हो, यूटिलाइज अमाउंट जो है वो दिख रहा है अपना। उसके बाद अवेलेबल लिमिट है, ठीक है, और ये नेक्स्ट जो है हमको इतना टोटल मिला है, लिमिट इंक्रीज कर सकते हो, अप्रूवल लिमिट। उसके बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप अगर आप जो यूटिलाइज अमाउंट आपने यहाँ पे यूटिलाइज किया उसको पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे से मेक पेमेंट करके आप पूरा पेमेंट को आप पे कर सकते हो। अदरवाइज जो आपका यहाँ पे जो मंथ का जो पेमेंट है जो जनरेट हुआ है, जो आपको नेक्स्ट मंथ में ये सेपरेट पेमेंट 791 रुपीज़ का, इसका अगर आप सेपरेट पे करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अभी जो मंथ के लिए, जो ईच मंथ आपको 5 तारीख को आपको एवरी मंथ डिडक्ट होगा, तो 719 का मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे अमाउंट के ऊपर क्लिक करके आपको मैनुअल अमाउंट डाल देना है, उसके बाद पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसा कुछ यहाँ पे वेब पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पेमेंट मोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट कर देना है,
आप, मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से मैं कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं नेट बैंकिंग से आपको बहुत सारे बैंक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आपको चपरेट आपका जो बैंक है वो बैंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं HDFC बैंक सिलेक्ट कर दिया हूँ। तो उसके बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे ऐसे कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ से डालना है, फटाक से डाल देंगे। डिटेल डालने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओके। तो ऐसा कुछ आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा अमाउंट का, तो कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आपको OTP आएगा, तो OTP यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद फाइनली जो यहाँ पर अमाउंट जो है डेबिट हो जाएगा और अमेजन पे में क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनली अपना पेमेंट प्रोग्रेस में आपको थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा जो आपका अमाउंट सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख सकते हो टॉप में मैसेज भी आ गया, ओके। तो एक उस प्रोसेस था दोस्तों रीपेमेंट का अमेजन पे का। और कुछ एनी रिलेटेड आपको डाउट है और कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपका कॉमेंट को पिक करके आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक उस वीडियो था और उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। और भी आपको कुछ डाउट्स है मन में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा नेक्स्ट मेरा वीडियो में आपका जो भी डाउट है क्लियर करने के लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। और रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेट मिलता है और आपके लिए ऐसा ही मैं वीडियोस लेते आता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।